बैगन के खेती करो छे दीदी, इतना अच्छा से खेती करे छे तैयो बैगन के खेती। होइ छै दीदी आ सब्जी बनबै छियै त अच्छो न होइ छै सब्जी, खेतो उसर हो जाइ छै, स्वादो न सब्जी में रहै छै। बात दीदी हम बहुतो दीदी के मुँह से सुनै छियै, कैसे अहाँ से खेती करै छियै? हम से रासायनिक खाद से खेती करै छियै दीदी। दीदी रासायनिक विधि से जे अहाँ से खेती करै छियै त ई परेशानी अहाँ सके लगले रहत, परेशानी से बचे के लेल अहाँ के प्राकृतिक विधि से खेती करे के पड़त। प्राकृतिक विधि तो नया विधि सुनै छी दीदी, ऐसे की फायदा है? प्राकृतिक विधि से खेती कैला के बाद दीदी खर्चो कम लागत और खेतो न उसर हो, और बैगन जब तोड़ कर ला जाए घरे तो जल्दी खराबो न हो, तो 3-4 दिन तक ला बैगन रह, और सब्जी बना कर जो खाएं तो स्वाद भी अच्छा रह, शरीर पर कोई नुकसान भी न पहुँचत। अहाँ के बार जो है बैगन अहीं के बताएल विधि से खेती कर, बैगन हमारा रोपाई करे के है कैसे होते से तन चल के बता दो। बैगन के बिचरा तैयार है दीदी? हाँ तैयार है दीदी। तो बी आर पी भैया के साथे हम बुला कर ले ले आए, कितना कट्ठा में बैगन के बिच्ची रोपे के है दीदी? एक कट्ठा में रोपे के है दीदी। तो 5 किलो हम घनजीवा अमृत ले ले आए। नाम है चंद्रमा देवी, सकरा ब्लॉक मछी पंचायत पार्वती समूह के सदस्य हते। नाम सविता देवी है, सकरा ब्लॉक मछी पंचायत के। हमारा नाम भेल जगन्नाथ प्रसाद, सकरा ब्लॉक के मछी पंचायत में उजाला भीओ में वीआरपी के पद पर काम करे। दीदी भैया के ले ले आईली और साथ में घनजीवो अमृत ले ले आईली। हम तो इंतजारे करत रहे दीदी बिचरा पानी लेके। दीदी यह घनजीवा मित्र है, घनजीवा अमृत डाले से की फायदा है दीदी? घनजीवा मित्र देवे से जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, जमीन के अंदर में जे भी केचुआ सोयल अवस्था में है ओकरा ही जगा दे छे। तब तो बड़ा काम के चीज है भैया। एक कट्ठा के 5 किलो घनजीवा मित्र है, एकरा हम अब छीट दे छे। अब छीट दिली दीदी, अब खेत के जोतवा कर हेंगा मरवा लियो। अब खेत जोता गेलै भैया। बैगन के रोपाई करे के लेल इतना सामान के जरूरी है, जे है 3 फीट के है, तो बैगन जे रोपते तो पौधा से दूरी 3 फीट और लाइन से लाइन के दूरी 3 फीट। कोदारी है, बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, बैगन के बिचरा है। माने इधर तो बताइए दिली सब, अब क्यारी बना दे छी जे पानी पटावे में आसान होते और बैगन रोपे में भी आसान। 3 फीट के है न अपना ही। दीदी एक पौधा यहाँ पर लगते और एक पौधा यहाँ पर। दीदी अब एक नाप का लाइन खींच दे रही है, एक बाद रोपाई होगा। एक चिन्ह कह दे ऐसे खुरपी से दरी कटले जा। देख ले ली ना पानी पटली से ऐसे ही पटावे को है पानी? हाँ भैया पटा देवे। दीदी 3 दिन पानी एकरा सुबह शाम जोर में देवे के होते? 3 दिन तक ला सुबह शाम हम पानी पटाए।
प्राकृतिक विधि से खर्च कम लगे छे और आमदनी ज्यादा हुई छे। भैया दीदी इतना सारा जानकारी दिलिए, एक बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।